ये ग्वालियर की जनता की जीत है। ग्वालियर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जो भरोसा दिखाया है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगी। और इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने जनता के सर्वे के आधार पर ही मुझे महापौर प्रत्याशी के लिए चुना था। और कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े और छोटे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पर अपना भरोसा दिखाया। पार्षद से मेयर तक का सफर आपका वो होने जा रहा है पूरी तरह से, क्या प्राथमिकता रहेगी ग्वालियर के शहर विकास को लेकर? ग्वालियर के विकास को लेकर ही मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि आपको भी मालूम है कि ग्वालियर में 66 वार्डों में अभी तक कोई भी विकास नहीं हुआ है। जनता त्रस्त है और जनता के इस उस पर मैं खड़े उतरने की पूरा प्रयास कर रहा हूँ। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में नगर सरकार के बतौर आप रहेंगी कांग्रेस में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी क्या भविष्य मानती है क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम काम करेंगे और हमें तो काम ही करना है केवल जनता के। निश्चित रूप से ग्वालियर की जनता ने कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी शोभा शिखरवा को जो आशीर्वाद उसने दिया है, निश्चित रूप से ग्वालियर में एक नया अध्याय जनता ने लिखा है, एक स्वर्ण अक्षरों में जो 57 साल बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ विजय हुई है। कहीं ना कहीं आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे बीच चुनाव के प्रचार के दौरान, तो विश्वास था कि साथ ही नहीं, मुझे विश्वास था ग्वालियर की जनता पे और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता पे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, हर कार्यकर्ता ने सुबह से करवा बनके चुनाव लड़ा और जीत और मेहनत करी, तो ग्वालियर की जनता का आशीर्वाद इन्हें मिला और विजयश्री प्राप्त हो रही इस जीत पर, ऐतिहासिक जीत। ये जीत कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता की जीत है, जिन्होंने इस बात का प्रमाण दिया है कि लगातार श्री प्रमोद खरे दल बदल करके जो लोग गए थे उनको ये सबक सिखाने का जनता ने समय दिया। दो दो केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि गीता भूपेंद्र जो काम भारतीय जनता पार्टी को मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो काम कांग्रेस में होता था कांग्रेस को हराने का काम, वो अब भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गया, तो उससे बचे। ये ग्वालियर की जनता की जीत है। ग्वालियर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जो भरोसा दिखाया है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगी। और इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने जनता के सर्वे के आधार पर ही मुझे महापौर प्रत्याशी के लिए चुना था। और कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े और छोटे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पर अपना भरोसा दिखाया। पार्षद से मेयर तक का सफर आपका वो होने जा रहा है पूरी तरह से, क्या प्राथमिकता रहेगी ग्वालियर के शहर विकास को लेकर? ग्वालियर के विकास को लेकर ही मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि आपको भी मालूम है कि ग्वालियर में 66 वार्डों में अभी तक कोई भी विकास नहीं हुआ है। जनता त्रस्त है और जनता के इस उस पर मैं खड़े उतरने की पूरा प्रयास कर रहा हूँ। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में नगर सरकार के बतौर आप रहेंगी कांग्रेस में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी क्या भविष्य मानती है क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम काम करेंगे और हमें तो काम ही करना है केवल जनता के। निश्चित रूप से ग्वालियर की जनता ने कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी शोभा शिखरवा को जो आशीर्वाद उसने दिया है, निश्चित रूप से ग्वालियर में एक नया अध्याय जनता ने लिखा है, एक स्वर्ण अक्षरों में जो 57 साल बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ विजय हुई है। कहीं ना कहीं आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे बीच चुनाव के प्रचार के दौरान, तो विश्वास था कि साथ ही नहीं, मुझे विश्वास था ग्वालियर की जनता पे और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता पे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, हर कार्यकर्ता ने सुबह से करवा बनके चुनाव लड़ा और जीत और मेहनत करी, तो ग्वालियर की जनता का आशीर्वाद इन्हें मिला और विजयश्री प्राप्त हो रही इस जीत पर, ऐतिहासिक जीत। ये जीत कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता की जीत है, जिन्होंने इस बात का प्रमाण दिया है कि लगातार श्री प्रमोद खरे दल बदल करके जो लोग गए थे उनको ये सबक सिखाने का जनता ने समय दिया। दो दो केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि गीता भूपेंद्र जो काम भारतीय जनता पार्टी को मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो काम कांग्रेस में होता था कांग्रेस को हराने का काम,
वो अब भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गया, तो उससे बचे। अपनी खुशियों को बनाएं खास होटल रॉयल पैलेस, जहां पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी किटी पार्टी को बनाएं यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।